तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी अभी कौन सी ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है, मतलब ये कंपनी अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो देखो गाइस, ये कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में ही है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी अभी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिर रही है। एंड आई गेस कि ये कंपनी 200 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले रहा है, क्योंकि अगर आज की कैंडल देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने एक हाई शेडो कैंडल फॉर्म किया है, मतलब ये जो 200 की मूविंग एवरेज है यहाँ से ये कंपनी सपोर्ट ले रही है। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है उसके कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद एंड स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग अप्रोक्सीमेटली 1182 रुपीज़, जो कि इस कंपनी की 52 वीक हाई है, इस लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई को भी तोड़ देती है, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो इन दैट केस आप लोग अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर के लेवल के लिए भी होल्ड करके ट्रेड को रख सकते हो। और अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये एंटायरली सब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड करके रखोगे, ये आप लोगों के ऊपर एंटायरली डिपेंड करता है। एंड वहीं पे अगर ये कंपनी बाय चांस सेलिंग प्रेशर के चलते नीचे स्लिप कर जाती है, तो 200 की मूविंग एवरेज से स्लिप करने के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर ये कंपनी यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो द नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट बेसिस अराउंड 870 रुपीज़। तो यहाँ से स्लिप करने के बाद आप लोग 870 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस स्टे सेफ।